नई तरह की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो उसपे हम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के नक्शे पर विकास प्राधिकरण ने मोहर लगा दी है। कमिश्नर एसपी अग्रवाल ने कहा कि श्री राम मंदिर का नक्शा और परिसर में विकास के लेआउट को सर्वसम्मति ने अनुमोदित कर दिया है। नक्शा पास करने के निर्धारित शुल्क की गणना के बाद स्वीकृत नक्शा राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। नक्शे पर मोहर लगने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के नींव की खुदाई शीघ्र शुरू हो सकती है। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे 70 एकड़ को विकसित करने का प्लान बनाया है। निर्माण शुरू करने के पहले तकनीकी रूप से सारी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए, दो तरह का नक्शा प्रस्तुत किया। एक तो लेआउट था जो कि 274,000 स्क्वायर मीटर का था, और एक था मंदिर का नक्शा जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में, और इनको नक्शा इसका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा। अयोध्या